आज इस वीडियो के बाद हम स्लीप के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आज हम तीन चीजें देखेंगे। पहला कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए, दूसरा कि जल्दी नींद लाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, और तीसरा हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि स्लीप के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए। हम दिन भर अपने काम में कितना फोकस रहेंगे, कितने एक्टिव रहेंगे, हमारा परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, कितनी जल्दी हमारे फेस पर रिंकल्स आएंगे, ये सब डिपेंड करता है स्लीप पर। और हमें कैंसर, हार्ट डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, इन सब डिजीज के चांसेस भी डिपेंड करते हैं हमारी स्लीप की क्वालिटी पर। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। हम लोग तीन ही पोजीशन में सो सकते हैं, या तो बैक पर, स्टमक पर, या साइडवेज। मेजॉरिटी लोग, 63% लोग साइडवेज सोते हैं। तो हम पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। हम दो तरीके से साइडवेज सो सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। हजारों सालों से चला आ रहा आयुर्वेदा और इवन आजकल की लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज बताती है कि लेफ्ट साइड सोना हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अब सवाल आता है कि क्यों, इस बात को आप लॉजिकली एक्सप्लेन करो। तो इसके लिए मैं बहुत थोड़ी सी बायोलॉजी का सहारा लूंगा। आप जैसे ही कोई खाना खाते हैं तो वो खाना एक पाइप के जरिए आपके पेट में पहुंचता है। इस पाइप को एसोफेगस कहा जाता है। अब जैसे ही खाना आपके पेट में पहुंचता है, आपके पेट में गैस्ट्रिक फ्लूइड्स रिलीज होते हैं, यानी एक एसिड रिलीज होती है जिसे उस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है और नेक्स्ट सेक्शंस में पहुंचाया जाता है। अब ये एसिड वापस उस पाइप में एसोफेगस में ना आ जाए, इसके लिए एसोफेगस के एंड में एक वॉल्व लगा है जिसका काम है कि जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब एज के कारण या और रीजन से ये वॉल्व ढीला पड़ जाता है जिसकी वजह से पेट की एसिड्स एसोफेगस तक पहुंचने लगती है। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्टमक एक बीन की शेप में लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में सोते हो तो ग्रेविटी के जरिए हमारी सारी पेट की एसिड और खाना बॉटम में रहता है, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है और आपके पेट की एसिड एसोफेगस तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर अब आप इमेजिन करो कि आप राइट हैंड साइड में सोए हो तो आपने इस प्रोसेस को कम्प्लीटली ऑपोजिट कर दिया है और इसकी वजह से अब आपके पेट की एसिड आपके एसोफेगस तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपकी छाती जलने लगेगी। और टेक्निकल टर्म्स में इसे हार्ट बर्न और रिफ्लक्स भी कहा जाता है, जिससे हायटल हर्निया और गर्ड की बीमारी हो सकती है। अब देखते हैं कि हमारे हार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में सोने का क्या फायदा है। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा है, जो कि हार्ट के साथ कनेक्टेड है और लेफ्ट हैंड साइड में टिल्टेड है। आयोटा को डायरेक्टली हार्ट से खून मिलता है और वो खून हमारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हमारे हार्ट को आयोटा में खून पहुंचाने के लिए बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा, और जबकि ये एफर्ट बहुत ज्यादा होगा अगर हम राइट हैंड साइड में सोते हैं। अगर आपने अपने घर में पंप लगाए हैं तो आप इस प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं कि पानी को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर में पहुंचाना मुश्किल है, जबकि ये बहुत आसान है अगर आपको पानी को 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में लाना है। इसलिए अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो वो 8 घंटे आप अपने बेस्ट फ्रेंड हार्ट की मदद कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड सोने का तीसरा फायदा होता है लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन स्प्लीन हमारे बॉडी की लेफ्ट हैंड साइड में स्टमक के साथ होता है। स्प्लीन का बेसिक फंक्शन होता है खून को साफ करना और डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को बॉडी से हटाना और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए खून स्टोर करके रखना, जैसे कि कट या इंजरी। अब क्योंकि स्प्लीन को खून साफ करना है और लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट की तरह पंप नहीं है, इसलिए खून मसल की कॉन्ट्रैक्शन से धीरे धीरे स्प्लीन तक पहुंचता है। और अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं और क्योंकि स्प्लीन भी लेफ्ट साइड है तो नेचुरल ड्रेनेज की वजह से खून स्प्लीन तक पहुंच सकता है और आप अपने स्प्लीन की भी मदद कर सकते हैं। हमें बीमारियां तब लगती हैं जब हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे खून से हमारी बॉडी से नहीं निकाल पाती, और लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम है कि वो हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाले। इसीलिए आयुर्वेदा में सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को ही ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अगर हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो हम हर रोज अपने हार्ट की, अपने लिम्फेटिक सिस्टम की और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प कर सकते हैं, और अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ये हेल्प नहीं मिल पाती। नेक्स्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है जब हम अपनी बैक पे सोते हैं। इस पोजीशन में सोने से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को ना कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ना ही उसे कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है, लेकिन हमारी स्पाइन नेचुरल अलाइनमेंट में रहती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी बैक पेन, नेक पेन या फिर शोल्डर पेन नहीं होती। जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं उन लोगों को फ्यूचर में बहुत कम डिस्क प्रॉब्लम आती है। अगर आपको स्नोरिंग की, खराटों की प्रॉब्लम है तो इस पोजीशन में खराटे बढ़ जाते हैं, और एपनिया यानी सोते सोते सांसें रुक जाना वो भी इंक्रीज हो सकता है। लास्ट स्लीपिंग पोजीशन आती है जो लोग अपने पेट के बल, अपने स्टमक के बल सोते हैं। ये सबसे वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन है, और अनफॉर्चुनेटली मैं भी ऐसी सोता हूँ। इस पोजीशन में आपकी स्पाइन अलाइन नहीं होती, गर्दन घूमी होती है, इसलिए नेक और लोअर बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है।
जिससे फ्यूचर में डिस्क की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से रात को हमारी बॉडी 25% एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करती है। इस पोजीशन का सिर्फ एक ही फायदा है कि जिन लोगों को खराटे आते हैं उन्हें खराटे थोड़े कम आएंगे। बाकी जो लोग मेरी तरह इस पोजीशन में सोते हैं वो एकदम तो इस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हमें इस पोजीशन से लेफ्ट साइड में सोने की ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्लीप पोजीशन से भी इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हम कितनी गहरी नींद ले सकते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि क्या हम अपनी लाइफ बिना बीमारियों के जी पाएंगे या नहीं। तो अब हम देखते हैं वो छोटे चेंजेस जो हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम बहुत गहरी नींद ले सकते हैं। सिर्फ दो हार्मोन्स को समझकर हम अपनी नींद को काफी अच्छे लेवल तक समझ सकते हैं। ये दो हार्मोन्स हैं मेलेटोनिन और कॉर्टिसोल। मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा मेलेटोनिन होगा उस वक्त हमें बहुत गहरी नींद आ सकती है। और दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा कॉर्टिसोल होगा उस वक्त हम ज्यादा अटेंटिव स्टेट में होंगे, और अगर कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा आ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही सुबह सूरज उगता है उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है और मेलेटोनिन बहुत कम, जिससे हम ज्यादा अटेंटिव होते हैं। सूरज की साइकिल के साथ साथ हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है और मेलेटोनिन का लेवल बढ़ता रहता है। जिस वक्त सूरज डूबता है उस वक्त हमारे मेलेटोनिन का लेवल ज्यादा और कॉर्टिसोल का सबसे कम होता है। इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमें अच्छी नींद चाहिए तो रात को हमारे अंदर मेलेटोनिन ज्यादा होना चाहिए और कॉर्टिसोल कम। जिन लोगों की बॉडी रात को मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती उन्हें डॉक्टर्स मेलेटोनिन की मेडिसिन देते हैं। हमारा गोल हमारी बॉडी में मेलेटोनिन नेचुरल तरीकों से लाने का है, ना कि दवाइयां खाकर, जिसके ऑब्वियसली बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर हमें अपनी बॉडी में मेलेटोनिन नेचुरल तरीके से पैदा करना है तो हमें अपने बॉडी को दो कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहला है डार्कनेस, यानी कमरे में पूरे तरीके से अंधेरा, और दूसरा है कंसिस्टेंट स्लीप एंड वेक साइकिल, यानी हर रोज ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सोना और सेम टाइम पर उठना। कमरे में अंधेरा होना हमारी गहरी नींद के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक आदमी को एक पूरे अंधेरे रूम में सुलाया, उसके साथ सेंसर्स अटैच किए और फाइबर ऑप्टिक केबल से एक 50 पैसे के सिक्के के बराबर थोड़ी सी लाइट उसके घुटने के पीछे कंसिस्टेंटली फ्लैश करी, और सिर्फ इतनी सी लाइट से उसकी पूरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई। और जो लोग रात को पूरे अंधेरे में सोने से डरते हैं वो रेड लाइट का नाइट बल्ब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लू लाइट। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ये कंफर्म कर चुके हैं कि ब्लू लाइट हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करती है और मेलेटोनिन सप्रेस करती है, यानी डिक्रीज करती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे गैजेट्स, हमारा सेलफोन, हमारे लैपटॉप, हमारा टेलीविजन, ये सारे ब्लू लाइट एमिट करते हैं। और रात के वक्त हर एक घंटा जो हम इन डिवाइसेस के साथ गुजारते हैं उससे हमारी 30 मिनट की डीप स्लीप कम हो जाती है और फिर बीमारियां लगने लगती हैं। अब ऑब्वियसली हम इन फोन से इतना एडिक्टेड हो चुके हैं कि हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, इसीलिए मैक्सिमम फोन्स में ब्लू लाइट फिल्टर का एक फीचर प्रोवाइड किया होता है, जिससे हमारी स्क्रीन पेल येलो कलर की हो जाती है। इस फीचर को यूज करके हम अपने स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों के सेलफोन में ये फीचर नहीं है वो एंड्रॉइड में ट्वाइलाइट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो सूरज के साथ साथ आपके मोबाइल का कलर भी चेंज करती रहेगी। और लैपटॉप के लिए f.lux एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो सेम फीचर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। स्कूल में तो हमें सिखाया जाता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट रियलिटी में ये पूरे दिन भर चेंज होता रहता है। अब हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है कि रात के वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है ताकि हमें गहरी नींद आए। अगर हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। लकीली आजकल हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर हम अपने रूम टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारे रूम का टेम्परेचर स्लीप के लिए 16.6 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक बेस्ट है। अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए दूसरा ऑप्शन आता है कि हम सोने से 2 घंटे पहले गर्म पानी से नहा लें। अब ये सुनने में तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि नहाने से तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नहाने के बाद जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो ऑटोमेटिकली हीट रिलीज करता रहेगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बराबर आ जाए, और फाइनली वो थोड़ी एक्स्ट्रा हीट रिलीज कर देगा जिससे बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से थोड़ा कम रहेगा और हमें गहरी नींद आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर रोज हमें कितने आवर्स तक सोना चाहिए। तो नेशनल स्लीप फाउंडेशन के 18 एक्सपर्ट्स ने मिलकर एल्सवेयर के स्लीप हेल्थ जर्नल में हमें ये रिकमेंडेशंस दी हैं।
0 से 3 मंथ्स के न्यूबॉर्न्स को 14 से 17 आवर्स तक सोना चाहिए, 4 से 11 मंथ्स के इन्फेंट्स को 12 से 15 आवर्स सोना चाहिए, 1 से 2 इयर्स के टॉडलर्स को 11 से 14 आवर्स सोना चाहिए, 3 से 5 इयर्स के प्री स्कूलर्स को 10 से 13 आवर्स सोना चाहिए, 6 से 13 इयर्स के स्कूल एज्ड चिल्ड्रन को 9 से 11 आवर्स सोना चाहिए, 14 से 17 इयर्स के टीनएजर्स को 8 से 10 आवर्स सोना चाहिए और 18 से 64 इयर्स के यंग एडल्ट्स और एडल्ट्स को 7 टू 9 आवर्स सोना चाहिए और 65 इयर्स से बड़े ओल्डर एडल्ट्स को 7 टू 8 आवर्स सोना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने तीन चीजें देखी। सबसे पहली थी स्लीप पोजीशन। अगर हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो वो हमारे बॉडी प्रोसेसेस को हेल्प करता है, जैसे कि हार्ट को हेल्प मिलती है, स्टमक को मिलती है और स्प्लीन को मिलती है। सेकंड, हमने देखा था कि हमारी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने बॉडी में नेचुरल मेलाटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, और वो हो सकती है जब हम पूरे अंधेरे में सोते हैं, सोने से पहले ब्लू लाइट को अवॉइड करते हैं, या फिर स्लीप से 2 घंटे पहले गर्म पानी से नहा लेते हैं। और फाइनली हमने देखा था कि हमें हमारी एज के अकॉर्डिंग कितनी देर तक सोना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।